वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सर्व सर। आप सभी का सर्व सर की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11 के बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी नए नए स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं क्लास 11 में। कॉमर्स अभी आप लोग के लिए नया है, बिजनेस स्टडीज भी नया है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और ये हम लोगों को समझ भी आएगा। हर एक पॉइंट हम लोग को इसका बहुत अच्छा से समझ आएगा। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा चैप्टर 1 का सेकेंड डे का डिस्कशन होगा। फर्स्ट डे का डिस्कशन हमारा ख़त्म हो चुका है। जो लोग सेकेंड डे के डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ फर्स्ट डे की डिस्कशन देख लीजिए। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू से, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट मी। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ से अवेयर करना चाहता हूँ और आप लोग अवेयर भी हैं इस चीज़ से कि जैसा कि अभी लॉकडाउन पीरियड है और लॉकडाउन पीरियड खुल भी जाता है तब भी हमें, जब तक ये वायरस का असर हो रहेगा हमारे सोसाइटी में तब तक हम लोग मास्क को अपनाएंगे और विदाउट मास्क हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे और जो सेफ्टी मेजर्स है टू सेव आवर सेल्फ एंड ऑल्सो टू सेव द सोसाइटी, इसको नहीं भूलेंगे। मैं कभी भी बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कभी कभार एक दो स्टूडेंट मुझे मिलते हैं विदाउट मास्क मिलते हैं, तो वो अपने हेल्थ को भी डेंजर में रखते हैं और दूसरे के लिए भी वो डेंजर है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, प्लीज वियर द मास्क। नाउ अब हम लोग आगे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन का जो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज? ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। सभी ह्यूमन बीइंग्स को अलग अलग नीड होता है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज नीड्स, और सभी कोई इस नीड को पूरा करने के लिए दे हैव टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटी, और ये अपने जरूरत को पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इन ह्यूमन एक्टिविटीज को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो दो तरह का क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं। दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज जिसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना और धन इकट्ठा करना, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोज एक्टिविटीज हुज एम इज नॉट टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड। जो हमारे सोशल साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए होते हैं वो कहलाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर लव, सिंपैथी, पैट्रियटिज्म एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू जनरेट गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अचीव
मेंटल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज। जो लोग फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वो पैसे कमाने के लिए वर्क करते हैं। कुकिंग फूड इन ए रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में जब एक कुक फूड की प्रिपेयर कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए करता है। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, जब एक टीचर स्कूल में टीचिंग कर रहा है उसको सैलरी मिलता है, यानी पैसे कमाने के लिए कर रहा है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल, अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, एक महिला जो अपने घर के लिए खाना बनाती है उसको उससे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ टीचर टीचिंग हर डॉटर एट होम, एक टीचर अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन में एक फोटो देख रहे हैं, इस इमेज में देखिए तो अ सेफ कुकिंग इन रेस्टोरेंट, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड देर इज अदर फूड अदर इमेज फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली मेम्बर, अ हाउस वाइफ कुकिंग फॉर हर फैमिली मेम्बर, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नाउ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट में देखिए, लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजी प्लस नेस, बिजी रहना, अपने आप को बिजी करना, दिस इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड नेक्स्ट वन, बिजनेस या इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस जो है वो प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसमें होता है। नेक्स्ट, बिजनेस इज अंडरटेकन विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बस बाय सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड इन सोसाइटी। प्रॉफिट हम लोग को जब ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करेंगे, सोसाइटी के ह्यूमन को गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई करेंगे और उसके बदले में हम लोग पैसे कमाते हैं, इसी को हम लोग बिजनेस करते हैं। आगे हम लोग जिक्र करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इन्वॉल्व्स इन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट्स मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, देर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस, एंड लास्ट वन इज देर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, एंड वी विल डिस्कस दिस पॉइंट्स इन डिटेल। एंड नाउ द फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, क्यों कहते हैं, एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, पैसे कमाना होता है, इसलिए बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है या फिर उनके एक्सचेंज, उनको एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना, उनका मार्केटिंग करना इन्वॉल्व होता है। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिजनेस में गुड्स का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट शामिल होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए। फॉर सेल, सर्विसेज इंक्लूड, और बिजनेस में जो सर्विसेज इंक्लूड होता है उनमें से ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
एक्सेट्रा होते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। तो बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का सेल होता है, किसके बीच में, सेलर और बायर, विक्रेता और क्रेता के बीच में। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल बट से फॉर इंटरनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर गुड्स का प्रोड्यूस किया जाता है या सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाता है और खुद के कंजम्पशन पर्पस से, खुद के यूज के लिए, तो इसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक किसान अगर खुद के खाने के लिए फल सब्जी उगाता है तो वो बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर वो बेचता है देन इट विल बी कॉल्ड अ बिजनेस। एंड फोर्थ पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंटिन्यू बिजनेस। सिर्फ खरीदेंगे या सिर्फ बेचेंगे, एक काम करेंगे, तो ये कभी भी बिजनेस नहीं हो सकता है। बिजनेस में खरीद बिक्री रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक पुराना स्कूटर था, उसको हम बेच दिए, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा क्योंकि हम उसको रेगुलरली नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराने गाड़ी खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो ये क्या है, एक काम रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, तो इसको हम लोग बिजनेस कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पुराना स्कूटर है, पुराना मोबाइल फ़ोन है, पुराना टेलीविज़न है और अब उसको हम लोग बेच दिए, तो ये हमारा रेगुलर बेसिस नहीं हो रहा है, तो ये हमारा बिजनेस नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मुख्य पर्पस, उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना प्रॉफिट कमाए। सो बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल। और ये तभी पॉसिबल है जब वो अपने सेल्स को बढ़ाएगा और रिड्यूसिंग कॉस्ट, या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स का बनाने में जो कीमत लग रहा है उसको घटाएगा, तभी पॉसिबल है। सिक्स पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे वेरी। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। तो बिजनेस में रिटर्न के मकसद से, यानी कि प्रॉफिट के मकसद से एक बिजनेसमैन पैसे लगाता है, लेकिन हर बार प्रॉफिट ही हो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी उसे लॉसेस भी होते हैं। इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क। सभी तरह के बिजनेस में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर्स। और बिजनेस का आप उन बहुत सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं है, जैसे कि स्ट्राइक, फायर, थेफ्ट, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एक्सेट्रा, इन सभी पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, और इन सब के कारण बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बिजनेस। इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अभी इसके बारे में लोग जिस डिस्कस कर लिए। अब प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन जैसे टीचिंग है, लॉयर है, इसके लिए एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है, स्पेशल स्किल चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट,
इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न, और बदले में उनको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलता है, तो इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जैसे वर्कर, सेल्समैन। और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो बिजनेस का एग्जाम्पल है फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये बिजनेस है। प्रोफेशन को हम लोग देखते हैं तो मेडिकल प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर, लीगल प्रोफेशन यानी कि लॉयर, अकाउंटेंसी यानी कि CA। तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी और इनके बारे में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन सभी के बारे में हम लोग और भी डिटेल आगे फर्दर पढ़ेंगे। एंड नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज योर होमवर्क। प्रकाश अ फार्मर वेंट टू द मार्केट एंड एक्सचेंज्ड हिज राइस विद पल्सेस। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको आइडेंटिफाई करना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। दूसरा, मोहन सेल्स हिज ओल्ड ड्रेसिंग टेबल ऑन OLX फॉर 4000। इज इट अ बिजनेस एक्टिविटी, जस्टिफाई। थर्ड क्वेश्चन इज, ललिता अ हाउस वाइफ सेल ओल्ड न्यूज पेपर ऑफ 2 months एट ₹300। विल यू क्लासीफाई इट एज अ बिजनेस एक्टिविटी, वाई। तो इन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, दिस इज योर होमवर्क। एंड नाउ थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड वंस अगेन I want to remember you that those who have not subscribed the channel yet, subscribe it to support me so that I will make this kind of videos regularly. Thank you for watching.